जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज हम यहां पे आ चुके हैं SNV ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद के अंदर, और मेरे सामने ये है गाड़ी मारुति की स्विफ्ट LXi वेरिएंट। भाई मैं बता दूं आपको, ये जो LXi वेरिएंट है ना, वैसे स्विफ्ट के पोर्टफोलियो में बेस वेरिएंट है, बट ये जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाली है। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये जो कार है ये विदाउट एसेसरी है, तो बहुत कम ऐसा होगा आपको मारुति के शोरूम्स में गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो कि बिना एसेसरी के लगी हुई है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहले कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, क्या क्या वैल्यू ये गाड़ी एड ऑन कर रही है, दूसरा गाड़ी का प्राइस कितना है, और LXi और इससे अगला वेरियंट जो VXi आता है उसमें कितने रुपये का फ़र्क है। साथ ही साथ ना मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि LXi अगर आप यही वेरियंट ले रहे हो तो इसमें कितनी रुपये और एड ऑन करके आप एसेसरीज लगवा सकते हो। तो मात्र आप मान के चलो 28,000 रुपये समथिंग में आप बढ़िया से बढ़िया एसेसरी यहाँ पे मारुति सुजुकी पे आप लगवा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी एसेसरीज हैं वही मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहले यार गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं। मैंने बोला मैं गाड़ी के प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो गाड़ी है इसका एक्स शोरूम हमें देखने को मिलता है 5,99,000 के अंदर, और टेंटिवली ये गाड़ी ऑन रोड पे जो आ रही है वो तकरीबन 7-11,000 के आसपास ही आ रही है। अब यही बात है कि इसके ऊपर का वेरिएंट जो आता है ना VXi वेरिएंट, उसका एक्स शोरूम हमें देखने को मिलता है 6,95,000 का, और ऑन रोड आते आते हो जाता है 8,20,000 का। आप देखो ऑन रोड पे 1,09,000 रुपये का डिफरेंस है, दूसरा आप देखो 96,000 का डिफरेंस है एक्स शोरूम पे। भाई 96,000 बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप यही LXi ले रहे हो ऑन रोड तकरीबन 7,11,000 का, और 28,000 रुपये और डाल के एज एन एसेसरी में जो जो चीज़ें आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना वो लगवा रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल वो वेरिएंट हो जाएगा सारे के सारे प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ पे। तो ये है भाई गाड़ी मारुति स्विफ्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ ना, एक प्रीमियम हैचबैक व्हीकल है। आप देखो आपको 5,99,000 में एक प्रीमियम हैचबैक कार मिल रही है, और नो डाउट इसकी लीगेसी, इसके नंबर्स यार अल्टीमेट है। आप सबसे पहले यहाँ पे लाइट्स पे हम बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे हेलोजन लैंप देखने को मिल रहे हैं लो बीम हाई बीम के साथ, विद साइड टर्न इंडिकेटर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ये है यहाँ पे कुछ इसकी फ्रंट ग्रिल, तो फ्रंट ग्रिल में हमें क्रोम का एसेंट्स आ रहा है, साथ ही साथ सुजुकी का बेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बढ़िया बेहतरीन ये फ्रंट का पार्ट रहा। साइड में भी एक बार आ जाते हैं, तो साइड में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, सबसे पहले मैं चलता हूँ टायर्स पे, तो टायर्स आप देख सकते हो 14 इंचेस के हमें ये यहाँ पे JK टायर देखने को मिल रहे हैं, विद ये यहाँ पे व्हील कैप के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक के साथ गाड़ी आ रही है। बता दूं आपको ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ में ये स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलेगा, 2 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमें स्टैंडर्ड इस पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। बढ़िया बेहतरीन। दूसरा बात करते हैं गाड़ी का व्हील बेस, तो 2450 mm का व्हील बेस है। एक अच्छी प्रीमियम हैचबैक कार में मतलब 2450 mm काफ़ी सही है। दूसरा अंदर जो केबिन स्पेस होगा ना काफ़ी बेहतर इसमें हो जाएगा। बाकी साइड पे ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ORVM से हम बात करें तो यस, बॉडी कलर्ड तो नहीं है बट मैट फिनिशिंग में हमें ORVM देखने को मिल रहे हैं, जो कि सारे मैनुअली एडजस्टेबल हैं। तो आपको अगर इसे यूज़ करना है यहाँ से मैनुअली आपको एडजस्ट करना होगा। बिल्कुल सही, डोर हैंडल हमें आ रहे हैं मैट फिनिशिंग के साथ में, ये यहाँ पे पार्ट हो गया। अब बात करते हैं गाड़ी के सी पिलर पे, तो सी पिलर पे जो हमें हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं ना एक्सेस करने के लिए सेकंड रो को, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया हुआ। अब एंटीना हमें यहाँ पे देखने को आ रहा है। दूसरा स्पॉइलर आप देख सकते हैं, विद पीछे अगर मैं बात करूँ तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स के साथ में। बाकी लाइट्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें LED बल्ब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ब्रेक लाइट्स पे। दूसरा साइड टर्न इंडिकेटर हमें हेलोजन का ही देखने को मिलेगा, बढ़िया स्विफ्ट के बेज के साथ सुजुकी का बेज इम्पोज्ड होता हुआ हमें दिख रहा है। बाकी 4 यहाँ पे रिवर्स के सेंसर्स दे रखे हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर यूज़ हुए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब बूट स्पेस भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिल रहा, तो बूट स्पेस ये थोड़ा सा यहाँ पे है कि जो एक्सेस आपको बूट स्पेस करना है ना वो आपको केबिन से ही करना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं केबिन की तरफ। अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो भाई गाड़ी की चाबी भी देख लेते हैं एक बार। तो गाड़ी की चाबी कुछ ये हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं यहाँ पे प्राइमरी की और सेकेंडरी की ना विदाउट सेंट्रल लॉकिंग हमें देखने को मिल रही है। बढ़िया, यहाँ पे चाबी को इंसर्ट करें आप यहाँ पे डोर को खोल सकते हैं। तो बूट स्पेस की मैं बात कर रहा था, सबसे पहले पहले बूट ही देख लेते हैं, इसे खोला जाए, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है कुछ गाड़ी का बूट स्पेस।
तो ये पार्ट हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा एम्पल बूट स्पेस है। यहाँ पे पार्शियल ट्रे आपको एज ए नेसेसरी में लगवानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ ये पार्ट रहा, जैक आ गया, सब हो गया। स्पेयर व्हील की एक्सेस के लिए ये आप यहाँ से कर सकते हैं, तो सेम स्पेसिफिकेशन का गाड़ी का स्पेयर व्हील हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी क्या है भाई, जे का टायर की कंपनी है, परफेक्ट है। तो बंद किया जाए, सबसे पहले सिंगल टोन में हमें डोर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से सिंगल टोन में मिल रहा है। 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने को मिल रहा है। मैनुअली यहाँ पे विंडोज़ के ऑप्शन आ रहे हैं, तो पावर विंडो मिसिंग है। यहाँ पे स्पीकर्स यहाँ पे नहीं है, तो आप एज ए नेसेसरी में स्पीकर्स लगवा सकते हैं। बाकी सीट्स बकेट टाइप सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें नहीं है अवेलेबल। और ये है कुछ सीट का टेक्सचर, आप देखिए ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल 3D प्रिंट के अंदर आ रहा है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, कोई ऐसा नहीं है ये कि 3D है, बट देखने में हमें लग रहा है बढ़िया फैब्रिक सीट्स हैं। अब आ जाते हैं अंदर, तो ये हम आ गए गाड़ी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का यहाँ पे है। तो रिसेंटली अपडेट आया है ये कि मतलब अब पूरे के पूरे स्विफ्ट और बेलिनो पोर्टफोलियो में ट्रैक्शन कंट्रोल ECM हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये पार्ट उसमें हमें देखने को मिल रहा है। अब स्टेयरिंग आ रहा है, तो आपको मैं बता दूँ ये स्टेयरिंग सिर्फ टिल्ट स्टेयरिंग हमें यहाँ पे स्विफ्ट में देखने को मिलेगा। ये है कुछ गाड़ी का अंदर से पार्ट, तो ये है कुछ कार अंदर से, बढ़िया हो गया। आप गाड़ी को दरवाज़ा बंद करते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको इसका DIS स्टार्ट करके दिखाता हूँ, कैसा ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। तो अब ये भाई DIS का हो गया पार्ट, अब यहाँ पे चलते हैं साइड में। तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा, तो ये पार्ट आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। बाकी नीचे अगर हम बात करें तो 4 स्पीड हमें यहाँ पे ब्लोअर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे रिसर्कुलेशन ऑन और ऑफ करने का है। बाकी ये कुछ यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग का पॉइंट ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़िया हुआ। एम्पल अमाउंट की ये कैविटी है यहाँ पे सामान वामान रखने की, कप होल्डर यहाँ पे 2 आ रहे हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, हैंड ब्रेक आ गया और ये पार्ट एक यहाँ पे कैविटी आती है, बढ़िया। दूसरा डैशबोर्ड पे आप देखो, तो ये जो डैशबोर्ड है ना, मतलब आपको ये कार्बन का टेक्सचर दिखेगा, तो कुछ ऐसा हमें ये प्रिंट देखने को मिल रहा है। 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए, हैजार्ड लैंप कुछ यहाँ। गाड़ी में एक अच्छी बात है जो इसके ये AC के वेंट है, ये ना ऊपर की तरफ है। फायदा क्या होगा ना, ये गाड़ी में जब AC चलेगा तो केबिन बहुत ईजिली कूल हो जाएगा और जल्दी कूल होगा, क्योंकि ये वेंट्स ऊपर को हैं, बढ़िया हुआ। बाकी IRVM ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, और सनशीट्स हो गए परफेक्ट। यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है, टिकट होल्डर इसमें नहीं आ रहा, बढ़िया पट रहा। ये कुछ हुआ फ्रंट से, अब ये कुछ हुआ अंदर से। सीट को अपने हिसाब से मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, तो सही हो गया भाई। गाड़ी को किया जाए बंद, अब आते हैं बाहर। ये है कुछ सेकंड रो, तो सेम यहाँ पे हमें 1 लीटर का कप होल्डर का ही स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैप पॉकेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी ये स्पीकर्स के लिए कैविटी है, बट स्टिल स्पीकर यहाँ पे मिसिंग है। बाकी फैब्रिक सीट्स ये गाड़ी में हमें देखने को मिल रही है कुछ ऐसा, और मैनुअली यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। सही हो गया पार्ट, पीछे देख लेते हैं स्पेस कैसा है, परफेक्ट है। तो ये है कुछ यहाँ पे स्पेस, अच्छा खासा नीरूम हमें देखने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक अंडर थाई सपोर्ट आ रहा है गाड़ी में। बाकी शीशे देखो यार कितने चौड़े चौड़े हैं, बढ़िया, मतलब काफ़ी केबिन अच्छा रूमी सा लग रहा है। तो ये है, बढ़िया है भाई इस प्राइस के अंदर, तो ना ये वेरियंट ना। अब चलते हैं बाहर, बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे हमें जो इंजन देखने को मिल रहा है 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है, जिसकी पावर 66 किलोवाट की आ रही है, टॉर्क दे रहा है 113 न्यूटन का, सही। 37 लीटर का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, और अच्छा खासा आप यहाँ पे देख सकते हो 4.8 मीटर का हमें यहाँ पे ये टर्निंग रेडियस गाड़ी में देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया रहा। अब चलते हैं अपने सेकेंड फेज पे। अभी तक आपको कोई अगर इसमें डाउट है तो यस आप मेरे को बता सकते हैं, बेस्ट डील के लिए मैंने आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। तो भाई अब शुरुआत करते हैं गाड़ी की एसेसरीज से। सबसे पहले मैं आपको जो ऑन रोड इस गाड़ी का प्राइस बताया था टेंटिवली 7,11,000 का, उसके अंदर ना बेसिक किट इंक्लूड थी, मतलब परफ्यूम, मैगटेन, डिग्निटी, ये सब यहाँ पे इंक्लूड था। बाकी
पहला मेरी जो रिकमेंडेड एसेसरी है वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। तो आपको तकरीबन 12,500 रुपये में ये पॉइनियर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अपना FM आ गया, रेडियो आ गया, ऑक्स आ गया, साथ ही साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलेगा। ये हुआ 12,500 का। दूसरा, इसके साथ आप JBL के 2 स्पीकर लगवाइए, तो टेंटिवली जो JBL का स्पीकर पड़ेगा 3,000 रुपये का पड़ेगा। तो आगे आप 2 स्पीकर लगवा लीजिए, इनफ है गाड़ी के अंदर। दूसरा, आप देख सकते हो सेंट्रल लॉकिंग, तो भाई सेंट्रल लॉकिंग तकरीबन 12,590 रुपये की ये सेंट्रल लॉकिंग है, जो कि देखने में कुछ ऐसी होगी जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और ये पैनिक स्विच ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप दबाएंगे इसको रेड बटन, इससे होगा क्या कि गाड़ी की पूरा सायरन बजने लगेगा। तो ये पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड हो गई। बाकी व्हील कवर आप चाहो तो यस, व्हील कवर भी लगवा सकते हो। तो 1,890 रुपये के गाड़ी के व्हील कवर हमें गाड़ी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये है व्हील कैप, और व्हील कवर आपको मैं दिखा देता हूँ डार्क शेड में। ये जो यहाँ पे स्विफ्ट खड़ी है ना बाहर, ये कुछ ऐसा व्हील कवर होगा। 1,890 रुपये का ये व्हील कवर हमें देखने को मिल जाएगा। सही, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड एसेसरी है। बाकी सीट कवर पे यार मैं बात करूँ ना, मेरे को इस पे लगता नहीं है कि आपको सीट कवर लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क कलर है ये। मतलब ऐसा नहीं है वो हुंडई टाइप की गाड़ी है ना जिसको कि लाइट्स हो। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड एसेसरी है। बाकी सीट कवर पे यार मैं बात करूँ ना, मेरे को इस पे लगता नहीं है कि आपको सीट कवर लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क कलर है ये। मतलब ऐसा नहीं है वो हुंडई टाइप की गाड़ी है ना जिसको कि लाइट सीट कवर दे रहे हैं, ये तो यार काफ़ी डार्क है ये देखो। तो यहाँ पे सीट कवर तो लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फैब्रिक सीट्स हैं तो बेटर होते हैं फैब्रिक सीट वाले। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ, गर्मियों में जैसे ये आप देख रहे हो ना गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो फैब्रिक सीट होगी ना तो स्किन ना उस पर चिपकेगी नहीं बहुत ज़्यादा। जो नॉन फैब्रिक या फॉल लेदर की गाड़ियाँ होती हैं ना हीटअप मारती हैं, बट कपड़े वाला इतना हीटअप नहीं मारता। तो ये था, बाकी आप लोग मेरे को बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। अब आप ये देखो कि 7,11,000 प्लस 28,000 की एसेसरी के अंदर आपने लगभग जो भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो भी वैल्यू फॉर मनी फीचर्स हैं आपने वो ले लिए। अभी देखो पावर विंडो एक मिस है, तो ये टोटली सब्जेक्टिव पॉइंट है पावर विंडो का। अगर आपको लग रहा है कि यस आपके यूज़फुल है, यूज़ के लिए है, तो 12,500 की टेंटिवली ये पावर विंडो है इसकी, तो आप लगवा सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, पर्सनली रिकमेंड दे रहा हूँ आपको मैं, आप लोग एसेसरी जो भी लगवाओ गाड़ी के अंदर ना वो मारुति से ही लगवाओ। उसका एक रीज़न है, आप देखो JBL का मैंने आपको ये स्पीकर बताया 3,000 रुपये का, सिस्टम बताया 12,500 का पॉइंटर का, हो सकता है मार्केट में आपको सस्ता मिल जाए, बट बात है दोस्त यहाँ पे गाड़ी की वारंटी की। मतलब आप देखो 7,00,000 रुपये कम तो नहीं होते, 7,00,000 की अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना 7,00,000 रुपये कम नहीं है। और इतनी महंगी चीज़ पे आप बाहर से ऐसे रीट लगवा रहे हो जिससे वारंटी गाड़ी की चली जा रही है, तो वो दिक्कत है। अभी फ़ायदा क्या होगा, आप कंपनी से लगवाओगे एक तो इंश्योरेंस में भी कवर है, दूसरा कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, आप डीलरशिप पे आ सकते हो दोबारा और उनसे बात कर सकते हो। सारी की सारी एसेसरीज़ में वारंटी होता है, और जितने स्पीकर्स और सिस्टम है ये सारे के सारे ना मारुति सुजुकी रिकमेंडेड है, तो ये एक इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी आप लोग बताएं अपना ओपिनियन क्या ख्याल है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यार इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करो इस वीडियो को। जो लोग भी एक हैचबैक देख रहे हैं, कंफ्यूज हैं भाई मारुति का बेस वेरिएंट होगा कैसा बिना एसेसरी लगा हुआ, तो भाई ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।